अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हम बनाने जा रहे हैं आज वेज कटलेट करारे वाले, वो भी अब इसको जो वर्मिसली की कोटिंग दे रहे हैं एक, उससे इसका जो करारापन है बहुत ही बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। अब यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो लगभग उबले हुए आलू, इसको मैश करेंगे अच्छे से। यहाँ पे 5-6 कलियाँ लहसुन की बारीक काट लिया है। यहाँ पे एक आधी पौनी कटोरी बीन्स काट लिया है बारीक, एक गाजर काट लिया है, और 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी धनिया। अब एक फोर्क की सहायता से आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। अब फ्लेम पे कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और 1 चम्मच तेल लेंगे यहाँ पर, और लहसुन डालेंगे इसमें। लहसुन के साथ साथ इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। इसको चलाएंगे अच्छे से, और ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, 1 मिनट के लिए ही भूनना है, इसको लाल नहीं करना है। इसमें डाल देंगे ये बीन्स कटी हुई, गाजर और थोड़ा सा नमक, ताकि ये सब्जियां जो हैं सॉफ्ट हो जाए। अभी 1 मिनट हुआ है सब्जियों को भूनते हुए। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए मिला देंगे, और बस ये रेडी हो जाएगा। बस ये रेडी हो गया, फ्लेम बंद करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे और निकाल लेंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे आधी कटोरी पोहा लिया है, इसको अच्छे से धुल लेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि आलू मैश हो गया था। अब इसमें ये सब्जियाँ जो हमारी ठंडी हो गई हैं, जो हमने सौते किया था, इसको इसमें डाल देते हैं, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसमें डाल देंगे हरी धनिया। ये देखिए, पोहा को 2 मिनट हो गया है भिगोए हुए, इसको अच्छे से निचोड़ देंगे, बहुत बढ़िया से निचोड़ना है, और इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सभी सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिल जाएं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं सभी चीज़ें। यहाँ पे हमने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, हमने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, ताजे ब्रेड को पीस लिया है। अब देखिए, हमारे पास कुछ ये सिवैयाँ हैं पतली वाली वर्मिसली, इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं। और इसको भी ब्रेड क्रम्स में मिला देंगे, इससे काफ़ी अच्छा करारापन आएगा इस वेजिटेबल कटलेट में। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। देखिए, यहाँ पे हमने मैदे का घोल बनाया है, इस तरह से कंसिस्टेंसी रहेगी, गाढ़ा बैटर है। इसमें नमक और सफ़ेद मिर्च पाउडर डाला है, इसको आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें। देखिए, इस तरीके से आलू का मिक्सचर लेंगे, और इसको आप किसी भी शेप में कटलेट बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक
हार्ट का शेप दे रहे हैं इस कटलेट को, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। इसके बाद इस वेजिटेबल कटलेट को आपको मैदे के बैटर में डिप करना है। डिप करने के बाद में आपको इस ब्रेड क्रम्स और वर्मिसली के मिक्सचर में इसको कोट करना है। अच्छे से इसको कोट कर देंगे और हल्का सा प्रेस भी कर देंगे। देखिए अच्छे से कोट हो गई है ये ब्रेड क्रम्स और वर्मिसली, इसको हल्का सा प्रेस भी कर देंगे। चलिए एक और बना लेते हैं। दूसरा सेट इसको भी मैदे में के घोल में डिप करेंगे और इस ब्रेड क्रम्स वर्मिसेली के मिक्सचर में इसको कोट करेंगे। हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। देखिए बिल्कुल कोट हो गया है इस पर। इसी तरीके से हम सारे कटलेट, सारे वेजिटेबल कटलेट तैयार कर लेंगे। ये देखिए कर लिए और तेल भी यहाँ पे अच्छा गर्म हो गया है। ये कटलेट डाल देते हैं। एक तरफ से हल्का सुनहरा होने पर इसको पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी सुनहरा करेंगे। डालने के बाद तुरंत नहीं चलाएं, एक मिनट लगभग रुकें। देखिए एक तरफ से हल्का सुनहरा हो गया है, इसको पलट देते हैं और अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सुनहरा कर लेंगे इसको। ये देखिए ये सुनहरा हो गया है दोनों तरफ से, काफ़ी क्रिस्प लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बने हैं ये। देखिए बिल्कुल तैयार है ये, इसको सर्व कीजिए किसी भी सॉस से अपनी मनपसंद चटनी के साथ। बहुत ही करारे और अच्छे बने हैं, बहुत ही करारे कटलेट बने हैं। अब इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि इसमें आपको पोहा ज़रूर डालना है और वो भी अच्छे से निचोड़ के। इससे क्या होगा कि जो आलू के अंदर का जो मॉइस्चर है वो ये पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके जो वेजिटेबल कटलेट हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे और करारे बनेंगे। तो बनाइएगा रेसिपी, बताइएगा कमेंट करके कैसे लगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।